प्राइम एजुकेशन जयपुर भारत का संवैधानिक इतिहास पॉइंट टू बी नोटेड सॉरी पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। वर्ष 1843 में 1843 में भारत के गवर्नर जनरल ने भारत के सचिवालय को बंगाल सरकार के सचिवालय से पृथक कर दिया, मतलब अलग कर दिया। क्या हुआ, 1843 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या किया, भारत के सचिवालय को सेक्रेटरिएट को बंगाल सरकार के सचिवालय से अलग कर दिया और इसके फलस्वरूप केंद्रीय सचिवालय में गृह वित्त और रक्षा और विदेश विभागों की स्थापना हुई। ठीक है, कब, 1843 में। वर्ष 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो विभाग विभाजन की प्रणाली शुरू की गई, जिसके फलस्वरूप गवर्नर जनरल परिषद के एक सदस्य को केंद्रीय सचिवालय के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया। परिषद की ओर से आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सचिवालय के कार्मिकों के लिए कार्यकाल संबंधी प्रणाली शुरू की थी। वर्ष 1905 में भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा रेलवे बोर्ड का गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप रेलवे पर नियंत्रण का कार्य लोक निर्माण विभाग से लेकर इस बोर्ड को सौंप दिया गया था। 1945 में भारत सरकार के विभागों का नाम बदलकर मंत्रालय कर दिया गया। उस समय केंद्रीय सचिवालय में वैसे 18 मंत्रालय थे। इसके बाद वर्ष 1772 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व संग्रह और न्याय प्रदान कराने के लिए दोहरे प्रयोजन से जिला कलेक्टर के पद की रचना की। इसके बाद वर्ष 1986 में राज्य स्तर पर राजस्व प्रशासन से जुड़े मुद्दे पर निपटने के लिए सर्वप्रथम बंगाल में राजस्व बोर्ड नामक संस्था का गठन किया गया। इसके बाद वर्ष 1792 में लॉर्ड कार्नवालिस ने जिम्मेदारी थानेदार प्रणाली की जगह दारोगा प्रणाली की शुरुआत की, जो जिला प्रमुख के सीधे नियंत्रण में थी। इसके बाद वर्ष 1929 में लॉर्ड विलियम मेंटिक ने जिला और राज्य मुख्यालयों के बीच एक मध्यस्थ प्राधिकरण के रूप में प्रभागीय आयुक्त के पद की रचना की थी। इसके बाद वर्ष 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम के माध्यम से कॉन्स्टेबल प्रणाली की स्थापना हुई, जिसके द्वारा जिला पुलिस को जिला मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर अधीन रखा गया। इसके बाद वर्ष 1687 में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना हुई, मद्रास में हुई। तो भारत के में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, मद्रास में। कब, 1687 में। इसके बाद 1726 में बम्बई, वर्तमान मुंबई, और कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता नगर निगमों की स्थापना हुई। इसके बाद 1870 में लॉर्ड मेयो के वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का विकास हुआ। लॉर्ड रिपन की वर्ष 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेघना काटा माना गया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसके बाद विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति सन 1905 में की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट इस कमीशन के चेयरमैन होप हाउस थे। देखिए यहाँ पे 1909 है, विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति 1905 में की गई थी और अपनी रिपोर्ट 1909 में प्रस्तुत की, इस कमीशन के चेयरमैन होप हाउस थे। इसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रांतों में शुरू की गई द्वैत प्रणाली के तहत स्थानीय स्वशासन को स्थानांतरित विषय का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसके प्रभारी भारतीय मंत्री होते थे। इसके बाद 1924 में केंद्रीय विधायिका द्वारा एक कंटोनमेंट एक्ट पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई प्रांतीय स्वायत्तता के से जुड़ी योजना के तहत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विजय घोषित किया गया। इसके बाद 1735 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का गठन किया गया। कब, 1735 में। इसके बाद 1860 में बजट प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके बाद वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया, जिसके फलस्वरूप प्रांतीय सरकारों को स्थानीय वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाया गया। इसके बाद वर्ष 1921 में ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया। कब, 1921 में। अभी ये क्वेश्चन कब भारतीय रेल को रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, कौन सी सिफारिश पर, 1921 में ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इसके बाद 1921 में केंद्र में लोक लेखा समिति का गठन हुआ। इसके बाद लास्ट एंड नेक्स्ट है, वर्ष 1935 में केंद्रीय अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।